दोस्तों जब से महाराष्ट्र चुनाव अंतर्गत वसई विरार के लिए महाविकास आघाड़ी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है तब से कहीं न कहीं क्षेत्र में अलग सी चर्चाओं का उसका बाजार गर्म है। खासकर नालासोपारे प्रत्याशी की जब घोषणा हुई तब कई लोगों ने असंतुष्टि जाहिर की और कहा कि संदीप पांडे बाहरी है, ये है, वो है, काफी कुछ बातें कही। खैर, संदीप पांडे इस समय अपने प्रचार में उतर चुके हैं और वो अपना प्रचार कर रहे हैं। संदीप पांडे जो नालासोपारा 132 से उन्होंने नामांकन भरा है और कांग्रेस पार्टी के है, उनको लेकर असंतुष्टि थी। लेकिन दूसरी तरफ वसई की बात करें तो वसई में विजय पाटिल, कहने को तो विजय पाटिल के नाम पर कोई बहुत ज्यादा असंतोष दिखाई नहीं दिया। हालांकि शिवसेना के विनायक निकम ने जरूर अपक्ष फॉर्म भरा था लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और बताए गए। लेकिन क्या विजय पाटिल लोगों के विश्वास पर खरे उतर पाएंगे, ये सवाल क्यों हम कर रहे हैं? तो इस सवाल के पीछे सीधी सी एक बात है कि विजय पाटिल के लिए सत्ता कितनी अहमियत रखती है। अगर आपको ये बात समझना है तो आप 2019 चुनाव में चले जाइए। 2019 चुनाव में विजय पाटिल ने वसई से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी तब नहीं थी, कांग्रेस थी और कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस इनका अपना घटक था, इनसे टिकट की मांग की। तब कांग्रेस को अपनी ताकत का अंदाजा होने की वजह से कांग्रेस ने वसई में किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया और बहुजन विकास आघाड़ी को सपोर्ट किया। तब सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए विजय पाटिल ने पाला बदलते हुए बिल्कुल विपरीत विचारधारा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की महायुति में शिवसेना में चले गए और बकायदा शिवसेना के टिकट तले, शिवसेना के बैनर तले चुनाव भी लड़े और बाद में हार का सामना हुआ। आप सभी जानते हैं 77,000 वोट ने मिले और लगभग 23,000 वोट से उनकी हार हुई। तो विजय पाटिल जो अपने आप को कट्टर कांग्रेसी बताते हैं और कांग्रेस का कद्दावर नेता, उनके यहाँ के उनके लोग कहते हैं उन्हें, लेकिन वही विजय पाटिल जब उन्हें सत्ता नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत ही पाला बदलते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया था। फिर बाद में शिवसेना का दामन थामा और जब हार हुई तब उन्हें लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और वहां शिवसेना में उन्हें उतना सम्मान शायद नहीं मिल पाया। तब फिर से पाला बदलते हुए कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आकर इस बार जो लगाया इस बार उनका नसीब साथ भी दिया और उन्हें टिकट भी मिला है। तो इस तरह से पहले ही दलबदल कर चुके हैं। जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दलबदल हुआ वो 2022 में हुआ, लेकिन विजय पाटिल 2019 में ही दलबदल कर चुके हैं। इस अंदाज से, इस हिसाब से आप बताइए कि विजय पाटिल क्या अपने वोटरों के साथ न्याय कर पाएंगे? दूसरी बात कहें, अगर विजय पाटिल ने इन 5 सालों में क्या कोई बड़ा काम किया है? सिर्फ चंद मंडल को, चंद लोगों को चंदा देना बड़ा काम नहीं है। जनता के हक के लिए विजय पाटिल बहुत ज्यादा बार खड़े नहीं हुए। हाँ, कुछ मौकों पर विजय पाटिल को जरूर देखा गया है कि उन्होंने आगे आकर प्रदर्शन वगैरह किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विजय पाटिल हमेशा आरोप लगाते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी, यहां उन्होंने विकास नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन 2019 के बाद जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी पहले, उस समय उन्होंने सरकार से यहां वसई विरार में कितना काम करवाया अपना रिपोर्ट कार्ड दे, और जब महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई और महायुति की सरकार थी तब कौन से ऐसे काम जो नहीं हो रहे थे उसको लेकर यहां से उन्होंने इतना फॉलो अप किया कि मंत्रालय में उसकी आवाज किसी ने उठाई, ये सवाल बड़े। खैर, जनता है ये सब जानती है, आने वाले 23 तारीख को पता चली जाएगा कि कौन कितने गहरे पानी में है। हम फिलहाल आज यहीं पर खत्म करते हैं।
आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।